वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है लोन अमाउंट, यानी ईएमआई कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर हम कुछ चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एरिया को होम पर जाकर के यहाँ पर हम मर्च एंटर करेंगे, सॉरी मर्च एंटर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मर्च क्रॉस कर लेंगे, इसी रहेगा कॉलम में जाएगा। देखो ये जो लोन अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ईएमआई की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हो तो उसमें जैसे 10,000 का आपने मोबाइल खरीद लिया तो हर महीने कितना आपको ईएमआई देना होगा वो आप जान सकते हो। जैसे आप बैंक में जॉब कर रहे हो तो या किसी को लोन आप दिए 2 लाख रुपये दे दिया, 1 लाख रुपये दे दिया, तो उस पर आप कुछ फिक्स करते हो कि इतना हर महीने में लोन लूँगा, कितने टाइम मिलूंगा, ये पूरा पूरा डिस्कशन हो सकता है। या आपको कहीं समझाना हो, या एज ए एम्प्लॉयज आप काम कर रहे हो किसी लोन डिपार्टमेंट में, तो आप वहाँ समझा सकते हो कि सर आप इतना अगर लोन लेते हैं तो आपके पास कितने साल में देना होगा, कितने महीने लगेंगे, कितने महीने में देना होगा, एनुअल रेट क्या है सर, मंथली रेट क्या है, फिर ईएमआई कितना होगा, अगर ईएमआई कुछ ज़्यादा हो गया तो क्या कुछ दूसरा क्यूरी होता है, क्या इससे कम नहीं होगा, तो उस आप सारी क्यूरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोई एक लोन ले लिया 1 लाख रुपए का और उसका ईएमआई आ गया 2224 रुपए, ठीक है, ऐसा है 2200 रुपये मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगले बंदे को आप समझा रहे थे तो वो बंदा बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास इतना अमाउंट तो नहीं है, उसको और भी ईएमआई देना होता है, ठीक है, एज ए एम्प्लॉइज, तो उसके बजट में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि उसके बजट में नहीं आएगा, तो वो पूछता है कि क्या ऐसा कोई स्कीम है जिससे 1500 रुपये पर मंथ आ जाए। तो आप कैलकुलेटर अपना चलाते हो और लोन अमाउंट का इस्तेमाल करते हो, वो देख लेते हो। तो एक्सेल का सबसे इसमें भी एक और बेस्ट फीचर है गोल शीट फंक्शन, जो हम यूज़ करते हैं डेटा मेनू के अंतर्गत। तो चलो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे करना है काम, तो फटाफट हम इसके बारे में बना लेते हैं। पहले हम बनाएंगे हेडिंग लिख लेते हैं इसका, क्या है हम लोग के पास मर्च सेंटर किया, यहाँ लिख देते हैं लोन अमाउंट, लोन या ईएमआई कह सकते हैं हम, यहाँ पे ईएमआई बनाना, ईएमआई अमाउंट, इसको हम तो सेट कर लें, हेडिंग हमारे पास है तो हेडिंग ऐसा होना चाहिए, ओके इसको हम सेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन जैसे कि लोन अमाउंट कितना, हमें लिखा लोन अमाउंट दे दिया कि मान लो 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये लोन अमाउंट, और ड्यूरेशन ईयर कितना है वो लिख देते हैं हम, ड्यूरेशन ईयर, चलो यहाँ पे हम 1 लाख कम है, तो एजुकेशन लोन की बात कर लो तो एजुकेशन लोन मान लो आपको 4 लाख रुपये मिला, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे फाइंड कर लो वो समझ लो। ड्यूरेशन ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे ड्यूरेशन ईयर कितना, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो एजुकेशन लोन आपको बस जितना कोर्स होता है कोर्स के अकॉर्डिंग ही मिलता है कि 3 साल का, 4 साल का, तो मान लो आपको ये मिलता है 4 साल का। और इसके बाद देखिए इसमें ड्यूरेशन मंथ कितने आएंगे वो देखते हैं ना, यहाँ पर लिखो ड्यूरेशन मंथ, ड्यूरेशन मंथ लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे इसको इसका तरीका है कि इज इक्वल टू करो, ठीक है, और जो ये वाला अमाउंट ड्यूरेशन ईयर है उसको सेलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करो किससे, 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 12 से, तो आपको भी मिल जाएगी 48, यानी कह सकते हैं ना कि 2245 ऐसे करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट इसमें होगा कि साहब एनुअल रेट क्या है वो देख लो, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, तो उसको लिख देते हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट। एनुअल इंटरेस्ट रेट में कितना आएगा उसको समझने के लिए वो समझ लो कि मान लो 12% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने 12%, और मंथली कितना आएगा वो चीज लिख दो, मंथली निकालने के लिए इजिकल टू करो और क्या करना इसमें क्लिक करो, डिवाइड करो 12 से, एंटर करो, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलो इसको ये जनरल फॉर्मेट है तो इसको अपने करना क्या परसेंटेज में कर दो, तो आपको ये मालूम चल जाएगा
देखो कभी भी आप जो काम कर रहे हो वो सही फॉर्मेट हो और वैल्यू यहाँ पे सही ना आए तो हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे जनरल फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट है, ये डेट डेट वगैरह के लिए प्रॉब्लम होता है तो वो हम कर सकते हैं। परसेंटेज का सिंबल सही आता है तो उसको भी सही कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है ईएमआई, ठीक है। तो ईएमआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे पीएमटी प्राइम टाइम वैल्यू और ब्रैकेट लगाएंगे। देखो यहाँ पर रेट पूछ रहा है और नंबर परसेंटेज प्राइम टाइम वैल्यू, हमें ये निकालना है। तो हमें करना क्या है, हमें पहले मंथली को स्टार्ट करना है कि मंथली कितना आया और उनको हम सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें को सेलेक्ट करते हैं पहले मंथली को, कॉमा लगाएंगे हम। इसके बाद ड्यूरेशन मंथ कहाँ हमारे पास, ये रहा। और कॉमा लगा करके हम लोन अमाउंट को ऐड करेंगे, ये रहा। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखो ये जो अमाउंट आता है ना, अमाउंट जो शो करेगा वो माइनस डॉलर शो करता है, तो आप इसका टेंशन मत लो। यहाँ पर इसको हम सही कर सकते हैं, ये ऐसे शो करेगा ही। अब इसको चेंज करना हो तो क्या करना, डेटा पे जाओ। मान लो कि लोन अमाउंट आपका है 40 लाख, तो हम कम करके भी देख लेते हैं फिलहाल के लिए, 1 लाख कर देते हैं। तो ये आपके लिए समझने के लिए और ऑब्जर्वेशन होगा। एंटर किया, यह 2633 रुपये, ठीक है। आपका लोन अमाउंट है 1 लाख रुपये और ड्यूरेशन है कि 4 साल में आपको देना है, और मंथ कितना लगेगा 48 महीने, और एनुअल रेट आपका 12% है और मंथली चार्ज 1% है। ई एम आई आपका 2633 रुपये 38 पैसे आया, इतना आ गया। लेकिन आप कहते हैं ना कि कोई बंदा जो अगला बंदा है वो कहता है कि नहीं साहब इतना मेरे पास बजट में नहीं है हर महीने, तो क्या ऐसा कोई आपके पास आइडिया है कि 1500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 को यहाँ पे आप इसे क्लिक करोगे ई एम आई वैल्यू पे और डेटा पे जा करके यहाँ पे लिखा होगा बट एनालिसिस, क्लिक करना गोल शीट फंक्शन पे। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट सेल, तो हमने इसको ले लिया है। यहाँ पे वैल्यू इसको माइनस में रखते हैं, यहाँ पे ख्याल रखना ये माइनस में वैल्यू होती है। तो हमें यूज़ करना है, लिखते हैं 1500 रुपये। और बाई चेंजिंग सेल की बात हो रही है तो क्या चेंज करना है हमें, हमें यहाँ पे ख्याल रखना होता है ड्यूरेशन ईयर, ये चेंज होगा तो सब कुछ काम हो जाएगा। क्लिक करो, ये देखो यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे नंबर फॉर्मेट ऐड करना होता है, ये हमें मालूम चल जाएगा। इसको भी नंबर फॉर्मेट, क्योंकि जनरल फॉर्मेट है तो प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ पर सॉरी करेंसी फॉर्मेट हो गया, हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है नंबर फॉर्मेट। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर 1500 बंदा देगा, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, 9 साल 20 दिन लग जाएंगे उसको देने में। तो इसी को हमें यहाँ पर समझना होता है। ईएमआई कभी भी चेक करना हो, लोन अमाउंट कभी भी चेक करना हो, तो इस तरीके से आप एक कैलकुलेटर डेवलप कर लो अपने एक्सेल शीट में। और हमेशा होता है ना कि आपको परसेंटेज नहीं आ रहा है, मैथमेटिकल नहीं आ रहा है ऑपरेशन, तो टेंशन नहीं उसे, आप इस फॉर्मूले को डेवलप कर लो इस वीडियो को देख करके, अच्छे से इसको रिपीट कर लो ढंग से, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा। मैथ ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप फॉर्मेट करना चाहो तो ढंग से फॉर्मेट कर लो। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये रहा वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।